कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। सिरसा में हर दिन नए मामले आ रहे हैं। हालांकि ज्यादा मामलों में ट्रेवल हिस्ट्री है। इन सबके बीच सिरसा बस अड्डा में जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। पुलिस व प्रशासनिक टीमें जगह जगह लोगों के चालान काट रही हैं, लेकिन बस अड्डा की ओर किसी का कोई ध्यान नहीं है। बस अड्डा परिसर में कोरोना को लेकर न तो सवारियां चिंतित दिखाई दे रही हैं और न ही रोडवेज प्रशासन। बसों में निर्धारित संख्या से ज्यादा सवारियां बैठाई जा रही हैं। टिकट लेते यात्री भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे। रोडवेज प्रशासन इसको लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीमें सवारियों का डाटा एकत्रित करने, स्क्रीनिंग करने के कार्य में जरूर जुटी दिखाई दी। बस अड्डा परिसर में हो रही नियमों की अवहेलना व बसों में ज्यादा सवारियां बैठाने को लेकर जब रोडवेज के अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास किया गया तो वे कैमरे में सामने आने से बचते दिखे। सिरसा से डॉक्टर गुलाब सिंह की रिपोर्ट। बाहर से जैसे इंटरस्टेट बसेज हो गई या NCR का एरिया होगा हो गया, वहाँ से आ रहे हैं और पैसेंजर डिटेल्स नोट हो रही है और किसी का लगता है कि टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको तो ऑब्वियसली सिविल हॉस्पिटल रेफर करेंगे, अदरवाइज जो नॉर्मल है डिटेल नोट करके वो जा रहे हैं।